बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम बिंबिसार था। वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। वह धार्मिक विचारों का भी बहुत आदर करता था और ध्यान धारण करने की प्रवृत्ति रखता था। एक दिन राजा बिंबिसार ने सुना कि गौतम बुद्ध नामक एक महान सन्यासी धार्मिक उपदेश दे रहे हैं। राजा ने उसे मिलने का फैसला किया और उसके पास जाने का निर्णय लिया। जब राजा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, तो उन्होंने उनकी विचारधारा और सत्य के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्णता के बारे में बातचीत की। बुद्ध के उपदेश ने राजा के मन को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें बहुत सम्मान दिखाया। राजा ने गौतम बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं धर्म और सत्य की ओर अपना जीवन कैसे मोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, राजा, सत्य का पालन करना और धर्म में आचरण करना तुम्हारे हाथ में है। ध्यान और मनोनिग्रह के माध्यम से तुम अपने मन को शांत करो और अहंकार को छोड़कर निर्ममता और प्रेम के मार्ग पर चलो। यही सत्य का मार्ग है और इसका अनुसरण करके तुम असली सुख और मुक्ति प्राप्त करोगे। राजा बिंबिसार ने ध्यानपूर्वक गौतम बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया और उनके आचार्यता में अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने अहंकार को छोड़कर संयम और सहिष्णुता के मार्ग पर चलना शुरू किया। उन्होंने सत्य और न्याय का पालन किया और अपने प्रजाओं के लिए एक उदार और धार्मिक राज्य बनाने के लिए प्रयास किया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध ने धर्म, सत्य और आदर्शों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके उपदेशों ने लोगों को उद्धार किया और उन्हें शांति, प्रेम और आत्मिक सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने उम्मीद की किरण जगाई और उन्होंने अन्य लोगों को अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।